आज एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है दोस्तों। बॉलीवुड की डूबती नैया ने एक विश्वास को और मजबूत किया है, वो विश्वास जो हम सब देशवासियों ने एक दूसरे पर दिखाया था जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। हम सब ने एकजुट होकर, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे NRIs हो जो विश्व भर में हैं, हम सब ने एकजुट होकर एक मांग रखी थी, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग। शुरू में लगा था 6-8 महीने में सब भूल जाएंगे सुशांत को, पर नहीं भूले। लॉकडाउन था, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, ज़िंदगी नॉर्मल हुई, 2022 3-4 महीने में ख़त्म होने वाला है, पर नहीं भूले। 2 साल से ऊपर हो गए, नहीं भूले। आज बॉलीवुड बर्बाद हो गया है, ये इस बात का सबूत है कि सुशांत सिंह राजपूत को हम नहीं भूले और ऊपर वाला हमें भूलने दे भी नहीं रहा। करण जौहर बर्बाद हो गया, आदित्य चोपड़ा बर्बाद हो गया, आमिर खान जिसे जीनियस कहा जाता था वो सड़क पर आने की कगार पर है, शाहरुख खान को ख़त्म हुए अरसा हो चुका है, सलमान खान दिन गिन रहा है अपने आखिरी, जिद में फिल्में करी जा रहा है, उसे भी मालूम है वो ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में कोई भी एक्टर 1-1.5 करोड़ से ऊपर की फीस नहीं डिज़र्व करता, क्योंकि 8-10 करोड़ उस फिल्म का धंधा हो रहा है जिसमें बड़े बड़े सितारे हों, औने पौनों को तो कुत्ता नहीं पूछ रहा। नेटफ्लिक्स अमेज़ोन जैसी OTT प्लेटफॉर्म्स ने मट्टी पलीत कर दी है बॉलीवुड की, और साउथ का सिनेमा चमकता जा रहा है, चाहे RRR हो, KGF 1-2 हो, छा रहा है, जबकि वो भी बहुत मीडियोकर फिल्में बना रहे हैं। बट अगर साउथ की हम फिल्में जो बिग बजट नहीं होती उनकी बात करें तो उनकी स्टोरी में दम होता है। आज भी आप OTT प्लेटफॉर्म पर जाइए तो उनकी जो वेब सीरीज़ हैं इन बॉलीवुड वाले चर्सियों से बहुत बेहतर बना रहे हैं। मेरे को नहीं पता लगता वो कन्नड़ होती हैं तमिल होती हैं, बट सब टाइटल्स के साथ मैं आराम से देख लेता हूँ, क्योंकि वो खिंचाव रखती हैं आखिर तक, आपको बांधे रखती हैं। यहाँ तो सिर्फ सेक्स, ड्रग्स और तीसरी चीज़ इन सालों को नहीं मालूम। आज सुशांत की इस जीत पर मन किया कि आपसे भी थोड़ी बातें कर लूँ, सुशांत को याद कर लूँ, भूला तो कभी भी नहीं था, बट आज एक दिल में सुकून आया है कि ऊपर वाला हमारे साथ है, सुशांत के साथ है। वंदे मातरम, जय हिंद, सत्यमेव जयते।